हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज ये वीडियो जो है इसका लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इस लेक्चर में हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। थोड़े से लेंदी हैं और टिपिकल हैं, बट अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इजी लगने शुरू हो जाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। सो आज का वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 8, अब हमें यहाँ पर नॉर्मल हमें साइन एक्स कॉज एक्स या टैन एक्स नहीं फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर साइन एक्स बाई टू, कॉज एक्स बाई टू और टैन एक्स बाई टू फाइंड करना है, जिसके लिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूलाज नहीं है। तो हमें यहाँ से क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूलाज भी क्रिएट करने आने चाहिए। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूलाज कैसे क्रिएट होंगे। अब सबसे पहले गिवन क्या है, टैन एक्स इज इक्वल टू माइनस 4/3 और एक्स किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले टैन से हम निकाल क्या सकते हैं, टैन से हम सीकेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 + tan² x इज इक्वल टू secant² x, यही होती है। अब यहाँ से निकाल सकते हैं 1 + -4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू secant² x। इसको सॉल्व करेंगे 16/9 आ गया इज इक्वल टू secant² x, 9 LCM, 9 + 16 इज इक्वल टू secant² x और ये आ गया 25/9 इज इक्वल टू secant² x। और इसका अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से secant x की वैल्यू आएगी 5/3। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये डिपेंड करेगा x किस क्वाड्रेंट में है। तो फिर से ऐड शुगर टू कॉफ़ी के हिसाब से देखा जाए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो ये सीकेंट एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर सीकेंट एक्स का। सीकेंट क्यों निकाला, सीकेंट इसलिए निकाला ताकि हम इसे यहाँ से कॉज निकाल सकें। सो कॉज एक्स क्या हो गया, कॉज एक्स हो गया -3/5, क्योंकि कॉज भी सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब कॉज निकल आया। अब बट हमें कॉज एक्स नहीं निकालना था, हमें कॉज एक्स बाय टू निकालना था। तो इसके लिए हमें फॉर्मूलाज फिर से रिवाइज करने पड़ेंगे। हमने पढ़ रखा है कॉस टू एक्स इज इक्वल टू 2 cos² x - 1, ये हमने ऑलरेडी कॉस टू एक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। अब यहीं से हमने बनाना है एक्स बाय टू। अगर मैं इस पूरे एंगल को हाफ कर दूँ, यानी कि यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 2 cos², यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बाय टू हो जाएगा, माइनस वन ऐसे ही रहेगा। तो अब देखो हमने एक्स बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू बना लिया, कॉस एक्स का हमारे पास वैल्यू है -3/5 और इस वन को इधर ले आओ प्लस वन हो गया इज इक्वल टू 2 cos² x/2। LCM ले लेंगे 5 - 3 + 5 इज इक्वल टू 2 cos² x/2। 5 में से 3 गए 2 by 5 और ये इसके नीचे आ गया, इसके साथ ये वाला 2 इज इक्वल टू 2 cos² x/2। 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1/5 इज इक्वल टू 2 cos² x/2। अब इसका अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट ऑफ 1/5 इज इक्वल टू 2 cos x/2। अब ये वैल्यू है कॉज एक्स बाई टू की, या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/√5, ये भी करेक्ट है। अब हमें बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट हमें तो ये बोला ही नहीं गया था कि x बाई टू हमें पता ही नहीं किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, बट हमें ये पता है कि x दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है। x दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है का मतलब क्या है कि x हमारा पाई बाय टू से लेकर पाई तक में बिलोंग करता है, यानी कि 90 और 80 के बीच में है, सेकेंड क्वाड्रेंट यही होता है। अब यहीं से अगर मैं इस एंगल को हाफ कर दूं, x बाय टू कर दूं, तो ये पाई बाय फोर हो जाएगा और ये पाई बाय टू हो जाएगा, यानी कि आपका जो x बाय टू एंगल है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, पाई बाय फोर होता है 45 और पाई बाय टू होता है 90। तो मतलब पाई बाय जो x बाय टू है वो 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, यानी कि कहाँ पहुँच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एंगल था और एक्स बाय टू एंगल हमारा
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सो ये पॉजिटिव ही आएगा. सो आंसर ऑफ कॉज एक्स बाय टू इज 1/√5. ठीक है, अब हमने कॉज एक्स बाय टू निकाल लिया. अब यहाँ से क्या निकल सकता है, साइन एक्स बाय टू. वो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, हमें अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है. अगर मैं इन एंगल्स को हाफ कर दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. साइन स्क्वायर एक्स बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल टू 1, बिल्कुल ठीक है. अब यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बाय टू निकल जाएगा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू अच्छे से पता है. तो साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस, अब कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू की चाहे वैल्यू आप 1/√5 का करके स्क्वायर कर लो, या कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू की वैल्यू आपके पास 1/5 थी, तो यहीं से मैं 1/5 ही पुट कर देती हूँ डायरेक्टली, इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल टू 1 - 1/5, यानी कि कितना हो गया 5, ऊपर आ गया 4. सो वी आर लेफ्ट आउट विद साइन स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल टू 4/5. अंडर रूट कर लेते हैं, साइन एक्स बाय टू इज इक्वल टू √4/5, और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो साइन एक्स बाय टू इज इक्वल टू 2/√5. ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू साइन एक्स बाय टू की. तो कॉस एक्स बाय टू की वैल्यू 1/√5 है और साइन एक्स बाय टू की वैल्यू 2/√5 है. ओके, अब लास्ट बचा क्या हमारे पास, टैन एक्स बाय टू. ठीक है, इसको भी हम निकाल लेते हैं. अब आपको पता है कि यहाँ पर साइन पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो है हमारा पॉजिटिव है. अब हमने क्या निकालना है, टैन एक्स बाय टू. अब हमें पता है कि साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स ये किसके इक्वल होता है, टैन एक्स के इक्वल होता है. टैन एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है. अगर मैं इस एंगल को हाफ कर दूँ, एक्स बाय टू बना दूँ, और इधर भी एक्स बाय टू बन जाएगा, साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, दोनों की वैल्यूज हमें पता है और हम इसमें पुट कर देंगे. साइन एक्स बाय टू की वैल्यू है 2/√5 और कॉस एक्स बाय टू की वैल्यू है 1/√5. रूट फाइव से रूट फाइव कैंसिल, सो आंसर इज 2. सो टैन एक्स बाय टू की वैल्यू है 2. सो एक और बात, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो आंसर्स आए हैं कॉस एक्स बाय टू, साइन एक्स बाय टू और टैन एक्स बाय टू के, वो आए हैं 1/√5, 2/√5 और 2. ठीक है, अब जब भी हमें पता है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू हो तो उसे हमें रैशनलाइज कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए. अब हमें रैशनलाइज करके √5 से रैशनलाइज किया तो √5/5 आ गया. यहाँ पर √5/√5 से किया तो 2√5/5 आया. ठीक है, सो ये है हमारे करेक्ट आंसर. कॉस एक्स बाय टू की वैल्यू है 5/5, साइन एक्स बाय टू की वैल्यू है 2√5/5 और टैन एक्स बाय टू की वैल्यू है 2. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9. इसमें भी हमें साइन एक्स बाय टू, कॉस एक्स बाय टू और टैन एक्स बाय टू की वैल्यू को फाइंड करना है. अब यहाँ से थोड़ा सा सिंपल है क्योंकि कॉस एक्स पहले ही दे रखा है, तो हम सेम पैटर्न से स्टार्ट करेंगे. हमें कॉस 2x का पता है, 2cos²x - 1, ये फॉर्मूला हमें पता है. यहाँ से हमने बनाया कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2cos²x - 1. ठीक है, अब कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, -1/3 है, और ये 1 इधर आके +1 हो गया, इज इक्वल टू 2cos²x/2. हमने एलसीएम ले लिया, -1 + 3 इज इक्वल टू 2cos²x/2. 3 - 1 = 2 डिवाइडेड बाई 3, और ये 2 इसके साथ आ गया, इज इक्वल टू cos²x/2. 2 से 2 कैंसिल, 1/3 इज इक्वल टू cos²x/2. सो हमारे पास कॉस एक्स बाय टू की वैल्यू क्या आई है, 1/√3, क्योंकि रूट हो जाएगा इसका और 1 का रूट 1 ही होता है, सो 1/√3. सो अब हमें देखना है कि कॉस एक्स बाय टू पॉजिटिव है या नेगेटिव है. उसके लिए पता होना चाहिए एक्स बाय टू कहाँ लाए कर रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा, एक्स के थ्रू. एक्स किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है. थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है 180 से लेकर 270 तक है. अगर इसमें बनाकर देखें तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यहाँ पर है हमारा एक्स एंगल. ठीक है, यहाँ पर टैन और कॉट पॉजिटिव है और ये होता है 180 से लेकर 270 तक, यानी कि 3π से लेकर 3π/2 तक. अगर इसको एक्स बाय टू कर दूँ तो ये पाई बाय टू हो जाएगा और ये 3π/4 हो जाएगा. सॉल्व करने पर पाई बाय टू 90 है, और अगर इसको सॉल्व करूंगी तो 135 आएगा. सो 90 और 135 के बीच में चला गया, यानी कि हमारा जो x बाय टू एंगल है
वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट ही पॉजिटिव होते हैं. सो हमारा जो कॉस एक्स बाय टू आएगा वो आएगा माइनस वन बाय रूट थ्री. और एक और बात, इसको और थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना होगा. सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको रैशनलाइज. सो हम इसको रैशनलाइज करेंगे रूट थ्री अपॉन रूट थ्री के साथ, तो आ जाएगा माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय थ्री. तो करेक्ट आंसर ऑफ कॉस एक्स बाय टू इज माइनस रूट थ्री बाय थ्री. ये आपका करेक्ट आंसर है, राइट. अब ये कॉस एक्स बाय टू निकल गया. अब हम यूज करेंगे अपनी सेकेंड वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल टू वन. अब हमें पता है कॉस एक्स बाय टू की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय टू आराम से निकल जाएगा. कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, या तो आप पुट कर सकते हो, आप डायरेक्टली ये वाली वैल्यू पे पुट कर सकते हो वन बाय थ्री, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू की वैल्यू वन बाय थ्री थी, इज इक्वल टू वन. यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल टू वन माइनस वन बाय थ्री. थ्री एल सी एम, थ्री माइनस वन, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल टू टू बाय थ्री. इसका रूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स बाय टू इज इक्वल टू रूट टू अपॉन थ्री. इसका रूट अलग अलग कर लेते हैं, रूट टू अपॉन रूट थ्री. इसको रैशनलाइज करेंगे रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, सो ये हो जाएगा रूट सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री. अब हमें डिसाइड करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. सो आपने अभी बताया था कि x बाय टू किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. सो हमारे पास रूट सिक्स बाय थ्री इसका आंसर है. ओके, देन वी हैव टू कैलकुलेट टैन x बाय टू. सो टैन x बाय टू क्या होगा, साइन x बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस x बाय टू. साइन x बाय टू क्या है, रूट सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ रूट थ्री डिवाइडेड बाय थ्री. थ्री से थ्री कैंसिल, सो वी हैव माइनस रूट सिक्स डिवाइडेड बाय रूट थ्री. इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, रूट थ्री के साथ हम रैशनलाइजेशन करेंगे. सो ये हो जाएगा हमारा रूट एटीन ऊपर और डिवाइडेड बाय थ्री. अभी भी और ये सिंप्लीफाई हो सकता है. कैसे हो सकता है, आप इसको चाहे पहले ब्रेक कर लीजिए, रूट सिक्स इंटू रूट थ्री अगर आप यहाँ रहने देते हैं तो इसको ब्रेक करेंगे तो किस में हो जाएगा, रूट टू इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री डिवाइडेड बाई थ्री. यहाँ आगे माइनस भी आएगा, सो ये हो गया माइनस रूट टू इंटू थ्री डिवाइडेड बाई थ्री. थ्री से थ्री कैंसल, आंसर इज माइनस अंडर रूट टू. तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है. सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, साइन एक्स यहाँ पर गिवन है 1 बाई फोर और x दूसरे क्वाड्रेंट में है, यानी कि x जो है वो पाई बाय टू और पाई के बीच में है, 90 और 180 के बीच में दूसरे क्वाड्रेंट का मतलब यही है. सो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं. और अगर x बाय टू की बात करें तो यहाँ पाई बाय फोर हो जाएगा और यहाँ पाई बाय टू हो जाएगा, सब कुछ हाफ ऑफ कर दिया. अब अगर ये देखा जाए तो ये 45 से लेके 90 तक, यानी कि x बाय टू एंगल कहाँ चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं. ओके, तो यहाँ से स्टार्ट कैसे करेंगे. अब आगे तो गिवन था कि कॉस हम निकाल लेते थे, और साइन से भी हम क्या निकालेंगे, पहले कॉस ही निकालेंगे. सो कॉस निकल कैसे सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन होता है, ये पता है. यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू डाल सकते हो, वन बाय फोर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन. यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स इसको इधर ले आए, वन माइनस वन अपॉन सिक्सटीन स्क्वायर कर दिया. अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लिया, सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन, सिक्सटीन माइनस वन, ये हो जाएगा फिफ्टीन बाय सिक्सटीन. तो कॉस एक्स की वैल्यू आई रूट फिफ्टीन बाय सिक्सटीन. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है, कॉस एक्स रूट फिफ्टीन डिवाइडेड बाय फोर. अब एक्स कहाँ था, एक्स हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है. सो कॉस की वैल्यू आई, कॉस एक्स की, माइनस रूट फिफ्टीन डिवाइडेड बाय फोर. ओके, अब यहाँ से अब हमें पता है कि कॉस टू एक्स जो है वो टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन है. तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला को रिक्रिएट करें तो टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन हो जाएगा. अब ये वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर, माइनस रूट फिफ्टीन डिवाइडेड बाई फोर, इस वन को इधर ले आते हैं, प्लस वन इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू.
सिंप्लीफाई करो, 4 एलसीएम माइनस रूट 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इस 2 को भी इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस रूट 15 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। हम और कैसे लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैंने कैसे लिख दिया, 4 माइनस रूट 15 डिवाइडेड बाई 8। 4 मैंने आगे लिख लिया क्योंकि पॉजिटिव था, माइनस रूट 15 को पीछे लिख लिया, डिवाइडेड बाई 8। अब कॉस एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 4 माइनस रूट 15 डिवाइडेड बाई 8। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक छोटा सा स्टेप आपको खुद से करना होगा। आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को 2-2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा मुझे अच्छे से पता है कि अगर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 16 बन जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है ना, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा डिनोमिनेटर इसका, ठीक है। तो यहां से कॉस एक्स बाय 2 हमारे पास आ गया, न्यूमिनेटर में आएगा 4 2 8 माइनस 2 रूट 15, ठीक है, और नीचे क्या डिनोमिनेटर में बनेगा, 16 का स्क्वायर रूट 4, क्योंकि 8 2 16 हो गया, 16 का स्क्वायर रूट सिंपल 4 होता है। सो कॉस एक्स बाय 2 की वैल्यू है रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब हमें क्या निकालना है, ये कॉस एक्स बाय 2 निकला अभी तक, अब हमने निकालना है साइन एक्स बाय 2, वही आइडेंटिटी यूज करके, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कैलकुलेट करना है, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 आप डायरेक्टली ये वाली वैल्यू डाल दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ताकि स्क्वायरिंग ना करनी पड़े दोबारा से, 4 माइनस रूट 15 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1। इसको हमने उधर लेकर जाना है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस रूट 15 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सो 8 माइनस 4 माइनस रूट 15 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारे पास बचा 4 माइनस रूट 15 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब देखो यहाँ से फिर यहाँ पे साइन, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि बाहर माइनस है, तो 4 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाय 8 आ गया। इसको फिर से क्या करेंगे, पहले इसका रूट करते हैं, साइन एक्स बाय 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाय 8। देखो जहां पर हम कॉस एक्स बाय 2 पे थे वहीं पर साइन एक्स बाय 2 पे आ गए, फिर से वही स्टेप, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स बाय 2 क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 4 2 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाय 8 2 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू देखो क्या आई है, रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाय 4, ये साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू है। लास्ट हमारा क्या बचता है, टैन एक्स बाय 2। सो टैन एक्स बाय 2 इज इक्वल टू, साइन की वैल्यू पहले पुट करो, सो रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाय 4, ये होगी साइन की वैल्यू। अब कॉस की वैल्यू ये रही, रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 15 इसका अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 4, सो 4 से 4 कैंसिल। सो टैन एक्स बाय 2 की वैल्यू बन रही है रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 15। फिर से हमें इसे रैशनलाइज करना होगा, रैशनलाइज किसके साथ करेंगे, रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 इसके ऑपोजिट साइन के साथ करते हैं, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे होगा, ये 8 प्लस 2 रूट 15 ये क्या हो जाएगा, दोनों के ऊपर क्या है, अंडर रूट है, तो अंडर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट आएगा ना इस तरह से, ये चीज़ बनेगी, रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, वो बात अगले स्टेप में करते हैं। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है, सो हम लगाएंगे 8 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 15 का स्क्वायर, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो 8 प्लस 2 रूट 15 रह जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 64 माइनस 2 रूट 15, 2 रूट 15 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 15 यानी कि 4, 2 2 4 15 ज़ा रूट 15, 15 ज़ा 15, तो 4 15 ज़ा 64 माइनस 60 का अंडर रूट, 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4,
सो रूट ऑफ फोर क्या होता है, टू होता है, ठीक है, सो टू होता है. सो इसको हम अगर सॉल्व करें, फोर प्लस रूट 15 आ जाएगा. इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करी, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया. सो आंसर इज 4 प्लस रूट 15. सो आई होप आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे. सो आज ये लास्ट लेक्चर था हमारा इस चैप्टर का. कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अवर चैप्टर नंबर 4. बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्कोरिंग भी होता है और बहुत ईजी से 4-5 स्टेप्स हैं इसमें. तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो करवाने जा रही हूँ. तो कोई भी वीडियो हमारे इस चैनल का मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे. तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज़ करिए. हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू.